तो इस जीके क्विज का पहला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी लोकेटेड। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी में स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य। हम्पी या जिसे रेफर्ड किया जाता है एज ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, वो है कर्नाटक स्टेट के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट के हम्पी शहर में, जो कि तुंगभद्रा नदी के पास है। और हम्पी जो था वो 14th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था, जिसे एस्टेब्लिश किया था संगमा डायनेस्टी के हरिहर और बुक्का ने इन 1336 को, और इसे लिस्ट किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन 1986 को। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है भारत के पहले प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ये जो किताब है उन्होंने 1934 को पब्लिश की थी। वहीं इसके अलावा भी एक बुक है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है, और उस किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये किताब इन्होंने 1946 को लिखी थी। और इनका जो कार्यकाल था प्रधानमंत्री के रूप में वो था 1947 से लेकर 1964 तक। हु इज द करेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वर्तमान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? ऑप्शन ए महेंद्रनाथ पांडे, ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी राजकुमार सिंह या ऑप्शन डी परसोत्तम रूपाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव। और ये सिर्फ यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी नहीं है, इसके साथ वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज भी है, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, जो रिप्रेजेंट करते हैं उड़ीसा स्टेट को। वहीं इसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनका नाम है राजीव चंद्रशेखर, वो भी राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वो जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो कर्नाटक है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए रूबेल, ऑप्शन बी लेक, ऑप्शन सी वोन या ऑप्शन डी पेसो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वोन या साउथ कोरियन वोन। और वहीं साउथ कोरिया की जो राजधानी या कैपिटल है वो सियोल है। हाउ मेनी मेंबर नेशंस आर इन द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र है? ऑप्शन ए 187, ऑप्शन बी 134, ऑप्शन सी 165 या ऑप्शन डी 200। तो जो कुल मेंबर की संख्या है वो 187 है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और आईएलओ एस्टैब्लिश हुआ था 1919 को, जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। वहीं इसके फिलहाल जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है गाई राइडर, गाई राइडर। हु डिफीटेड हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को किसने हराया? ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी पुलकेशिन टू, ऑप्शन सी नरसिम्हा वर्मन या ऑप्शन डी शशांक। तो हर्षवर्धन को चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन टू ने हराया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और जो हर्षवर्धन थे वो बिलोंग करते थे पुष्यभूति या वर्धाना डायनेस्टी से। और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस बैटल में पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हराया, तो इसे हराया था बैटल ऑफ नर्मदा में, बैटल ऑफ नर्मदा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल्स कार्व्ड ऑन द सारनाथ पिलर, निम्नलिखित में से कौन सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवरों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए हम्प्ट बुल, ऑप्शन बी एलिफेंट, ऑप्शन सी डियर या ऑप्शन डी हॉर्स। तो जो एनिमल कार्व्ड नहीं है सारनाथ पिलर पे वो है ऑप्शन सी डियर, ऑप्शन सी डियर। तो जो सारनाथ पिलर है वो एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है स्कल्पचर का, जो बिलोंग करता है मौर्यन पीरियड से। और इस पिलर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है वो है बेस, वो है पिलर का बेस, जो कि एक लोटस फ्लावर है।
उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा है जिसे ड्रम भी कहते हैं, जिसमें चार एनिमल्स को कार्व किया गया है जो रिप्रेजेंट करता है फोर कार्डिनल डायरेक्शन, जिसमें पहला एक हॉर्स है जो वेस्ट फेसिंग है, उसके बाद ऑक्स या बुल जो है वो ईस्ट फेसिंग है, वही एलिफेंट जो है वो साउथ फेसिंग है और लायन जो है वो नॉर्थ फेसिंग है। वहीं इस ड्रम के ऊपर चार लायन है जो चारों दिशा को फेस कर रहे हैं। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड, मानचित्र निर्माण के विज्ञान को कहा जाता है। ऑप्शन ए कार्टोग्राफी, ऑप्शन बी जियोग्राफी, ऑप्शन सी कार्पोलॉजी या ऑप्शन डी जियोलॉजी। तो इसे कहते हैं कार्टोग्राफी, ऑप्शन ए कार्टोग्राफी, और जो मैप बनाता है उसे कहते हैं कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर। नल्ला मल्ला हिल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, नल्ला मल्ला पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी गुजरात। तो वो पड़ता है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। और ये जो है भारत के ईस्टर्न घाट में पड़ता है जो एक बाउंड्री बनाता है आंध्र प्रदेश के रायल सीमा रीजन और तेलंगाना के नगर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट के बीच में। और साथ में जो पहाड़ी है ये कोरोमंडल कोस्ट के पैरेलल में है जो दो नदियों के बीच में सिचुएटेड है, जिसमें पहला नदी है कृष्णा नदी और दूसरा नदी है पेन्नार नदी। और वहीं बात करें इस हिल के हाईएस्ट पॉइंट की, तो वो है भैरानी कोंडा, जिसे शिखरेश्वरम भी कहते हैं, जिसका टोटल हाइट है 3608 फीट। हु डिस्कवर्ड नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? ऑप्शन ए एमंडसन, ऑप्शन बी रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन सी जॉन कोबोट या ऑप्शन डी कैप्टन कुक। तो नॉर्थ पोल की खोज की थी ऑप्शन बी रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन बी रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी जो थे वो एक यूएस नेवी ऑफिसर थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था 6 अप्रैल 1909 को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नए जीके क्विज देखने के लिए वीडियो लिंक पे क्लिक करें।